अजून 3 मिनिटं आहेत आपल्याकडे, जितके प्रश्न विचारायचे पूर्ण मराठीसाठी आहे. गोन नवाजुद्दीन सर आणि अमृता मॅम, तुमचं पहिल्यांदा तर मनापासून अभिनंदन. मला आधी सर्वप्रथम जाणून घ्यायला आवडेल की तुमची ही जी काही पहिली प्रोसेस होती, म्हणजे भूमिका तुमच्याकडे आली, कशी होती ती आणि कोणी तुमच्याकडे ती आणली? पहली बार जब आप तैयारी करते हैं कास्टिंग, किसने ऑफर लाया आपके पास? मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि कास्टिंग जब करते हैं तो आप मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो देखते हैं कि वो ऐसा देखते हैं कि कौन इसके करीब होगा, क्या वट और कौन इसको निभा पाएगा. कॉन्फिडेंस होता है इंटरनली, एक कॉन्फिडेंस होता है जो कास्टिंग करता है उसका. तो उसमें तो मेरी अगर देखा जाए तो राव साहब ने कास्टिंग की है. तो पहली बार उन्होंने मुझे कॉल किया था तो उन्होंने बताया कि आप ठाकरे कर रहे हो, डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया आप ठाकरे कर रहे हो. मैंने क्या ठाकरे कर रहे हो? तो मैं नीचे गया, मैं थैंक यू वेरी मच सर, मैं नीचे गया. तब जाके मुझे ठाकरे मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर है, कैसे होगा क्या होगा. लेकिन खुशी भी थी एट द सेम टाइम नर्वसनेस भी थी क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है. सर एक तो सेकंड चीज़ हम लोगों ने देखी वो बाला साहेब ठाकरे की हरकतें, यानी कि जो जैसे कि वो रुद्राक्ष जिस प्रकार से पकड़ते थे, जिस प्रकार से वो हाथ ऊंचा करते थे, और एक उनका एक बियर पीने का भी एक अलग स्टाइल था. ये सब स्टाइल्स अडॉप्ट करने के लिए आपको कितना वक्त लगा? उनकी कुछ पुस्तक भी है जैसे कि निखारे और वैसा सब, तो आपने वो कुछ पढ़ी थी? मुझे राव साहब ने काफ़ी चीज़ें दी बताई, और एक जैसे पाइप पीते थे तो उनका हाथ ज़्यादातर ऐसे रहता था, यू नो, और जब स्पीच देते तो यहीं से ऐसे ऐसे आता था. तो ये था घड़ी को हमेशा वो ना यहाँ पे वो होता था देखने का ही, और एक स्पीच देते हुए बार बार ये थोड़ा सा ऐसे करते थे, है ना, और दोनों हैंड्स उनके चलते थे. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया, और जिसकी जो आई थिंक जो स्मोक करता है ज़्यादा तो उसके क्या होता है कि ये पूरा मुड़ता नहीं है क्योंकि निकोटिन होता है ना पूरा, तो उनका ज़्यादातर यहाँ ये रहता था. जब वो बात करते थे तो नॉर्मली जब अपने दोस्तों से बातें करते थे तो मोस्टली ऐसे रहता था उनका. तो ये छोटी छोटी चीज़ों के अलावा जो जो उनका जो सोल था उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है. ये तो हो जाती है स्कोर, ये तो हो जाता है ना, गेटअप हो जाता है, ये छोटे छोटे स्कोर हो जाते हैं, बट मेन थिंग इज सोल उसका, वो कनेक्शन उनका, वो थॉट प्रोसेस उनका, वो बहुत डिफिकल्ट होता है. फर्स्ट डे ऑफ द शूट जब आप दोनों कैमरे के सामने ऐसा ठाकरे उतरे और ऐसा माँ उतरे, तो आपका अनुभव कैसे था और आप कैसे फील किए थे जब उस किरदार को दिखाते थे? कितना प्यारा सवाल है. कैसा फील किया जब इनके साथ भी और अपने फर्स्ट टाइम ऐसा ठाकरे? फर्स्ट टाइम वो टीज़र में हो गया था, टीज़र जब था ना वो जो पहले आया था उसमें फील हुआ था कि यार बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों, और वो उसके लिए डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. आई थिंक पहली बार जब माँ साहेब एंड बाला साहेब के किरदार में, और या फिर वेश क्या बोलूँगी, वेशभूषा में हम जब सेट पर आए थे तो शायद वो पालघर में था और एक होमली सीन था, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि इतने सारे अलग फैक्टर्स थे. एक तो हम ब्लैक एंड वाइट में फिल्म कर रहे थे जो फर्स्ट टाइम है. To see myself in black and white is going to be amazing. To work with Nawazuddin, of course, is a huge, I think it's a huge, I won't say compliment, but I will say it's a bonus for any actor, co-actor, because acting is nothing but reacting. And when you have an actor like Nawazuddin with you, I think you just become a better actor. नवाजुद्दीन सर, एक तो बाला साहेब ठाकरे की एक पहली खासियत थी कि वो व्यंग्य चित्रकार थे, और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो पढ़ा होता वो व्यंग्य चित्रकार का था वो. तो सर इस बहाने आपने कितने अपनी पेंटिंग्स आपने सीखी होंगी, कितनी पेंटिंग जानी, क्या ये एक पेंटिंग का अलग क्या अनुभव, आप क्या कहेंगे? पेंटिंग के बहुत सारी पेंटिंग की थी, जब हम लोग पेंटिंग का शॉर्ट्स हैं इसमें वो की थी, तो थोड़ा बहुत कुछ स्केच किस तरह से वो पकड़ते थे पेन को, ये ऐसे ऐसे होता था और ऐसे पकड़ते थे पेन की निब यहाँ होती थी जो, है ना, तो ऐसे 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 पोर्ट्रेट करते थे. तो छोटी छोटी चीज़ों पे क्योंकि चीज़ों पे ध्यान दिया गया. नवाज भाई, अमृता आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है अपने एक बहुत बड़ी गैप के बाद, अब दोनों ने वापस ठाकरे की किरदार में खुद को देखा है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे?
बहुत मज़ा आया ऑफ कोर्स, क्योंकि जब हम फिल्म शूट करते हैं तो हमारा फोकस कहीं और होता है, यू नो, एंड जब हम ट्रेलर देखते हैं तो हमारा फोकस ऑडियंस पे होता है. सो इट्स अ मिक्स्ड इमोशन, है ना, तभी हम ऐसे होते हैं, हम कुछ नहीं देखते. तो दिस इज़ द टाइम एक्चुअली फॉर अस ऑल्सो, मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स करके एक सेलिब्रेट करने का और ऑडियंस का रिएक्शन देख के उसमें एक मज़ा उठाने का. किरदार को जब शूटिंग के लिए आते थे तभी आपने बताया कि आपको लोग आपको जय महाराष्ट्र करीब होते हैं, तभी आपका वो फीलिंग उस समय फेल्ट कैसे आपको फील हुआ कि जब लोग आपको एज अ ठाकरे का ही आपको विश कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि अपनापन सा लगता है ना. जैसे मैंने बताया कि उद्धव जी ठाकरे साहब जब वो फर्स्ट टाइम शूटिंग देखने के लिए आए थे, पहली बार एक बार ही आए, वो भी काफ़ी कहने के बाद आए. जब आए तो मुझे खुद फील हो रहा था कि वो मेरे बेटे हैं. नवाज, अमृता अलाइन ऑन वर्किंग विद संजय राउत सर एंड वाईकॉम एंड राव साहब का, जैसे मैंने बताया कि वो पहली बार ही देखते ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था, और वाईकॉम से मेरा बहुत पहले का एसोसिएशन है, फ्रॉम द गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 पार्ट 2 जी. और ऑफ कोर्स संजय राउत सर ने इस फिल्म को दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया है, और हमारे जो निर्देशक है अभिजीत पांडे, मैं उनको स्पेशली मैं थैंक करती हूँ एज एन एक्टर, क्योंकि उन्होंने सेट पे ऐसा पॉजिटिव माहौल बनाया था और हर शॉट के बाद वो हमें कॉम्प्लीमेंट देते थे. मतलब ऐसे कि मुझे लगता था अभी वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बट आई थिंक दैट कॉम्प्लीमेंट एंड दैट पॉजिटिव एनर्जी जस्ट makes you a better actor, you know, you feel like अच्छा कुछ अच्छा हो रहा है. So you're always looking for that director's validation कहो या फिर affirmation कहो, वो हमारे लिए as actors बहुत ज़रूरी होता है. So अभिजीत पांडे was 100% like the most encouraging director. Thank you. नहीं 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 नहीं